सही है। देखो जरा, सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना लेंगे। देखो जरा, कैसा भी किसी भी साइज का चतुर्भुज बना लेंगे और इसके चारों कोनों पे लिख लेंगे ए बी सी और डी। ए हो गया हमारा 4.5, बी हो गया हमारा 7.6, सी हो गया हमारा 4.3 और डी हो गया हमारा 1.2। दो विकर्ण मिला लेंगे, इसके विकर्ण भी मिला लेंगे, ए सी और दूसरा बी डी, ये हमने विकर्ण मिला लिया। इसमें करेंगे क्या, पहले ये वाली साइड निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर विकर्ण देखेंगे, फिर पता लगेगा ये क्या है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं भुजा, सबसे पहले कौन सी भुजा निकालेंगे, भुजा ए बी। भुजा ए बी निकालने के लिए सूत्र लगा देंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। 21:21 से याद रखना है इसको, 21:21 वाले सूत्र। देखो ए बी निकालना है तो ये एक्स वन बाई वन हो जाएगा और ये एक्स टू बाई टू हो जाएगा। एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 7-4 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन मतलब 6-5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 घटाएंगे कितना, 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर। 3 3 9 प्लस 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, कितने मात्रक। भुजा ए भी निकाल ली, अब क्या करेंगे, भुजा बी सी निकालेंगे। भुजा बी सी निकालेंगे तो बी सी हो जाएगा हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। अब देखो बी सी निकालना है, बी सी निकालना है तो एक्स वन बाई वन, बी सी निकालना है तो ये हो जाएगा एक्स वन बाई वन और ये हो जाएगा हमारा एक्स टू बाई टू। एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 4-7 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन 3-6 का होल स्क्वायर। अब 7 में से 4 घटाएंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटाएंगे -3 का होल स्क्वायर। 3 3 9 प्लस 3 3 9 माइनस खत्म हो जाता है, 9 9 कितना गया 18 मात्र। दो भुजा हम निकाल चुके हैं, ये आ गई √10 और ये आ गई √18। अब तीसरी निकालेंगे भुजा डी सी। अब कौन सी निकालेंगे, भुजा डी सी, यहाँ से निकाल लेता हूँ ऊपर, भुजा डी सी। अब डी सी निकालना है सूत्र एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। डी सी निकालना है तो ये एक्स वन बाई वन और ये एक्स टू बाई टू, ठीक है। एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 4-1 का होल स्क्वायर, 4-1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन मतलब 3-2 का होल स्क्वायर। देखो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 3 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर। 3 3 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 मात्रक, 10 मात्रक आ गया। डी सी निकाल लिया, अब क्या करेंगे, डी सी निकाल लिया, डी सी आ गया हमारा √10। अब निकालेंगे ए डी, भुजा ए डी, भुजा ए डी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, देखो ए डी निकालना है तो ये ए हो जाएगा एक्स वन बाई वन और डी बन जाएगा हमारा एक्स टू बाई टू। एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 1-4 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस वाई वन 2-5 का होल स्क्वायर। 1 में से 4 घटाएंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 3 3 9 प्लस 3 3 9 9 9 कितना हो गया 18 मात्रक, ये कितना हो गया √18। अभी आयत नहीं बना है, ये अभी आमने सामने की भुजा बराबर आई है, अभी ये समांतर चतुर्भुज बना है।
आयत जब होगा जब विकर्ण भी बराबर आ जाएंगे, जब तक हम इसे आयत नहीं कह सकते जब तक कि इसके डायगनल बराबर ना होंगे। अब विकर्ण ए सी निकालेंगे, विकर्ण बी डी निकालेंगे, अगर ये दोनों बराबर आते तब आयत है। अब निकालेंगे विकर्ण ए सी, तीन नंबर का पता है। अब ये है ना, मैं समझा के निकाल लिया हूँ, जब जिससे रटा हुआ होता तुम करोगे पेपर में तो तुम्हें इतना टाइम थोड़े लगेगा, ये 5 मिनट का सवाल है, एकदम निकल जाते हैं। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, चार माइनस चार का होल स्क्वायर, देखो चार माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस तीन माइनस पाँच का होल, तीन माइनस पाँच का होल स्क्वायर, चार में से चार गया जीरो का स्क्वायर और पाँच में से तीन घटाया माइनस दो का स्क्वायर, दो दुनी चार और चार का वर्गमूल कितना दो मात्रक। तो विकर्ण एसी कितना आ गया, दो आ गया। अब कौन सा विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण बीडी। अब निकालते हैं हम विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी फॉर्मूला यही है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू माइनस एक्स वन, देखो बी डी निकालना, तो बी हो जाएगा हमारा एक्स वन वाई वन और डी हो जाएगा हमारा एक्स टू बाई टू। एक माइनस सात का होल स्क्वायर, एक माइनस सात का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, दो माइनस छः का होल स्क्वायर, एक में से सात घटाएंगे माइनस छः का स्क्वायर प्लस माइनस चार का स्क्वायर, छः छंग छत्तीस प्लस चार चौक सोलह, छत्तीस और सोलह कितना हो गया, छत्तीस और सोलह कितना हो गया बावन, छत्तीस और सोलह बावन। देखो अब विकर्ण बराबर नहीं आ रहे इसके, तो इसका मतलब क्या है, ये समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर किसके हैं, सी डी के, चूंकि ए डी बराबर किसके हैं, बी सी के, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, एक आंसर देखिए जरा इसका वर्ग कैसे हो जाएगा, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। किताब कोई लाता नहीं है, देखो सातवां सवाल है हमारा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो दो कोमा माइनस पांच और माइनस दो कोमा नौ से सम दूरस्थ हो, सम का मतलब समान, दूरस्थ का मतलब दूरी पर। सवाल नंबर सातवां मोस्ट इंपोर्टेंट है, सात आठ नौ दस, ये सारे सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, सात आठ नौ दस। ये कह रही है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो, ये दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं से सम दूरस्थ हो। तो पहले तो ये ध्यान रख लो कि एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा होता, एक्स अक्ष पर वाई का मान जीरो होता, ये कहीं को लिख लो क्योंकि लिखने भी आ जाता है एक नंबर में। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु जो होता है एक्स कोमा जीरो होता, और वाई अक्ष पर जो बिंदु होता है वो कितना होता, वाई अक्ष पर जो बिंदु होता वो होता जीरो कोमा वाई, वो कितना होता जीरो कोमा वाई, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई का मान जीरो होता और वाई अक्ष पे एक्स का मान जीरो होता। ये नोट कर लो कहीं को, इम्पोर्टेंट नोट है, एक्स अक्ष पर बिंदु लिखिए, एक नंबर में आ भी जाता है ये एक्स, हाँ एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक लिखिए तो एक्स कोमा जीरो लिख दोगे, वाई अक्ष पे कोई बिंदु जो माना जाता है जीरो कोमा वाई माना जाता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जल्दी नोट करो फटाफट। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मिटा दूं ये। अब ये कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो, ये कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो दो कोमा माइनस पांच और माइनस पांच कोमा दो से सम दूरस्थ हो।
सवाल देखो जरा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हमें क्या करना है, एक्स अक्ष पे ऐसा बिंदु निकालना है, एक्स अक्ष पे ऐसा बिंदु निकालना है जो 2, -5 और -2, -9 से समदूरस्थ हो। ये दो बिंदु इसने दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, 2, -5 और दूसरा बिंदु हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, -2, -9। ये दो बिंदु दे रखे हैं, वो कह रही है एक्स अक्ष पे ऐसा बिंदु बताओ जो इन दोनों से समदूरस्थ हो, बराबर दूरी पे हो। तो हमने मान लिया एक्स अक्ष पे बिंदु को ये है और इसके निर्देशांक कितने हैं, x,0। ये अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे क्योंकि हमें पता है एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु क्या होता है, x,0 होता। इसका उल्टा सवाल भी आता है उदाहरण में, वो भी आया हुआ पेपर में, वो बाई एक्स पे है तो वहाँ पे 0,y हो जाएगा, समझ गए। अब समदूरस्थ है तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट की इससे दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी, ये दोनों दूरी बराबर होंगी। तो दूरी को नाम दे दिया मैंने, ये D1 दूरी और ये कौन सी दूरी, D2 दूरी। तो D1 D2 बराबर होंगी, समझ गए, क्योंकि वो कह रहे हैं एक्स अक्ष पर वो बिंदु बताओ जो इन दोनों से सम दूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो सवाल ने कह दिया ये वाली दूरी इसके बराबर है, ठीक है। चित्र बना ही लेंगे, पहले तो एक लाइन लिख लेंगे, अभी उतारेगा कोई नहीं, पहले समझेंगे सब। माना एक्स अक्ष पर बिंदु क्या है, x,0 है, ये हमने मान लिया। पिटसन अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि ये दूरी समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। D1 दूरी किसके बराबर है, D2 दूरी के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D1 दूरी बराबर किसके है, D2 दूरी के बराबर है। अब इसलिए यहीं पर वर्ग कर देते हैं, D1 का वर्ग बराबर किसके होगा, D2 के वर्ग के। जब D1 दूरी D2 के बराबर है तो D1 का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, D2 के होल स्क्वायर के। ये होल स्क्वायर इसलिए लगाया, वर्गमूल लगाना नहीं पड़ेगा हमें सूत्र पे, आप समझ गए। अब बिना वर्गमूल के सूत्र लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता, वर्गमूल में होता, हमने पहले स्क्वायर लगा के दिखा दिया तो वर्गमूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये नहीं दिखाते हैं, हम वर्गमूल में ही लगाते हैं, तो एक लाइन हमें नीचे लिखनी पड़ेगी दोनों ओर वर्ग करने पर। इधर D1 के लिए सूत्र लगा दिया और इधर D2 के लिए सूत्र लगा दिया, दोनों तरफ सूत्र लगा दिया। अब D1 दूरी निकालना है, D1 दूरी ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। D1 दूरी के लिए तो इसमें मान रख लेते हैं x2 - x1, तो x2 कितना है हमारा, x माइनस x1 कितना है, 2, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना, 0, माइनस y1 कितना है, -5, छोटे से ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर बराबर। अब D2 दूरी में आ जाते हैं, ऐसे ये x1 y1 और ये x2 y2। D2 दूरी में देखो x2 - x1 मतलब x माइनस माइनस दो का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1 मतलब 0 - 9 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - प्लस का 5 हो गया, इसका होल स्क्वायर x-, कैसा हो गया, +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 घटाएंगे तो कितना, -9 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोल देते हैं यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब a² + b² -2ab, 2 × x × 2 ये गुणा का निशान होता है जो बिंदु होता, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इधर भी फॉर्मूला खोल देते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × x × 2 प्लस 9 का स्क्वायर, 9×9=81 बराबर के। इधर उधर एक से कट जाते हैं, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट गया, x² से x² कट गया, बराबर के इधर उधर एक से कट जाते हैं, ये कितना बचा, 2 × -4x + 25 बराबर 2 × 4x + 81। x एक तरफ कर लेंगे, 4x को इधर ले आएंगे, 25 को इधर ले जाएंगे, तो -4x, ये +4x हो रहा है तो -4x हो गया, इधर 81, 25 को इधर ले गए -25, 4x कितने हो गए हमारे, -8x बराबर 81 में से 25 घटाएंगे
तो 6 और 56 बचेगा, और x बराबर हो गया हमारा 56 बटे -8, 8 7 56, x बराबर -7। तो x का मान -7 आ गया, तो इसका मतलब x अक्ष पर बिंदु -7, 0 है। अतः x अक्ष पर बिंदु -7, 0 है। 3 नंबर में जो कितनी बार आया हुआ सवाल है, एक बार और समझ लो इस सवाल को। ये कह रहा है x अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ हो। तो हमने मान लिया ये हमें याद रखना है, x अक्ष पर कहेगा तो x, 0, y अक्ष पर कहेगा तो 0, y। हमने x, 0 बिंदु मान लिया, ये इस वाले बिंदु से दूरी और इस वाले बिंदु से दूरी समान है, एक ऐसी रफ चित्र बना लिया। तो इसका मतलब d1 दूरी d2 के बराबर है। पहले तो एक लाइन लिख देंगे, माना x अक्ष पर बिंदु x, 0 है, d1 दूरी d2 के बराबर है। वर्गमूल से बचने के लिए पहले स्क्वायर दिखा दिया, समझ गए। अगर पहले स्क्वायर नहीं दिखाओगे तो फिर तुम्हें वर्गमूल में लगाना पड़ेगा फॉर्मूला दोनों तरफ। यहाँ तक ले आओगे फिर एक लाइन यहाँ लिखनी पड़ेगी दोनों ओर वर्ग करने पर। वो झाड़ हमारा पहले ही खत्म कर दिया हमने स्क्वायर लगा के। फॉर्मूला लगा x2 - x1² / y2 - y1² इधर भी x2 - x1² / y2 - y1² दो सूत्र लगा दिया हमने सामने। इस वाली दूरी का x2 - x1 x - 2, y2 - y1 0 - -5, x - 2² - -5 + 5² ये सूत्र खोल दिया, x² + 2² - 2ab, 5×25। ठीक है, फिर दूसरी तरफ ऐसी लगा x2 - x1 x - -2² + y2 - y1 0 - 9² x - - +x + 2² + 0 - -9² फॉर्मूला लगा दिया x² + 2ab। ये दोनों सेम कट गए बराबर के इधर उधर, 2×4x + 25, 2×4x + 81, फिर सॉल्व कर लिया। उतारो ना, पहले रूट हटाना पड़ता। देखो उदाहरण नंबर 5, इसी के जैसा उदाहरण नंबर 5 है, ये भी आया हुआ पेपर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 5 में, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं ए 6.5 और बी -4.3 से समदूरस्थ हो। अब y अक्ष पर पूछ रहा, दो बिंदु इसने दे रखे हैं, एक तो ए दे रखा है कितना 6.5, ध्यान दो रे जरा इधर, एक बिंदु बी दे रखा है, बी कितना दे रखा है -4.3। ये कह रहा है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु बताओ जो इन दोनों से समदूरस्थ हो। तो y अक्ष पर हमें पता है बिंदु क्या होता है, 0.y। x अक्ष पे था पिछला सवाल तो x, 0 माना था, और y अक्ष पे है तो 0.y। अब इन दोनों से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे है, जो समान दूरी पे है तो ये दूरी का नाम d1 दे दिया, इस दूरी का नाम d2 दे दिया। ठीक है, पहले तो एक लाइन लिख लेंगे कि जो है माना y अक्ष पर बिंदु, माना y अक्ष पर बिंदु, पर बिंदु कितना 0.y है, ध्यान दो जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल के हिसाब से वो कह रहा है कि ये बिंदु समदूरस्थ है, दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब d1 दूरी बराबर किसके होगी, d2 के, इसलिए दोनों का स्क्वायर बराबर होगा, d1 का स्क्वायर बराबर होगा d2 के स्क्वायर के। d1 का फॉर्मूला लगा लिया, x2 - x1² + y2 - y1² ऐसे d2 में लगा लिया, x2 - x1² + y2 - y1² ठीक है। अब d1 निकालना है तो d1 के लिए ये हो जाएगा थोड़ी देर के लिए x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। जब d2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। अब देखो d1 में मान रख रहे हैं x2 - x1 मतलब 0 - 6² 0 - 6² + y2 - y1 y2 कितना है y - 5² बराबर x2 - x1 0 - -4 0 माइनस ये सूत्र का हो गया, और -4 इसका होल स्क्वायर + y2 - y1 y - 3 का होल स्क्वायर। 0 में से 6 घटाएंगे -6² ये फॉर्मूला खोल देंगे y² + 5² -2 × y × 5 0 - -+4² यहाँ पर फॉर्मूला खोल देंगे y² + 3² -2 × y × 3 बराबर के इधर उधर एक से कैंसिल हो जाएंगे y² से y² और कुछ कैंसिल हो रहा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा इसमें 6 6 36 + 5×25
माइनस का 2 5 10 22 बराबर 4 चौक, क्योंकि 0 में को 4 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 3 9 माइनस 2 3 6 22। देखो 36 प्लस 25 माइनस का 10 22, 16 9 कितना हो गया 25 माइनस के 6 22, 25 से 25 कैंसिल हो गया। अब हमें बाई का मान निकालना, 6 बाई को तो इधर ले आओ और 36 को इधर ले जाओ, तो माइनस का 10 बाई, 6 बाई इधर लाए प्लस के 6 बाई हो गए, 36 इधर गया माइनस का 36 हो गया, 10 बाई में से 6 बाई गए तो कितने बचे माइनस के 4 बाई, माइनस के 4 बाई बराबर माइनस के 36, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाई बराबर 36/4, 4 9 36, बाई बराबर कितना आ गया 9। तो इसका मतलब बिंदु आ गया हमारा 0.9, अतः बाई एक्स पर बिंदु जीरो कॉमा नो है। वो सात हो गया, आठवा होगा, आठवा होगा ना, आठवा पांचवा तो वो समझाने का। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो, ये भी पेपर में आया हुआ कई बार। बाई का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु पी 2-3 और क्यू 10-2 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दूरी पहले ही बता दी इसने, वो कह रहा 10 मात्रक है। एक बिंदु ये कह रहा पी है जिसके निर्देशांक कितने 2-3, जिसके निर्देशांक कितने हैं 2-3, और एक बिंदु क्यू है जिसके निर्देशांक कितने हैं क्यू के 10-2। ये कह रहा बाई का मान बताओ कि इन दोनों के बीच की दूरी, इसने पहले बता रखी है 10 मात्रक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी 10 मात्रक है, दूरी हमें बता दी इसने। तो कह रहा बाई बताओ बाई कितना है, तो हमें पता है जब दूरी निकालते तो ये पहला वाला कोना होता है x1/1 और दूसरा कोना हमारा होता है x2/2। दूरी का सूत्र लगा लेंगे, क्या सूत्र होता है दूरी का, दूरी का सूत्र हमें पता है d बराबर होता है अंडर रूट x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। अब d का मान इसने दे रखा है 10 रख लेंगे यहाँ पे, बराबर अंडर रूट x2-x1, x2 कितना 10 माइनस x1 कितना 2, तो जगह 10-2 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1, y2 कितना है हमारा y-y1 कितना है माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर 10 बराबर 10 में से 2 घटाएंगे कितना 8, 8 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे 10 बराबर, पहले और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 8 8 64 प्लस ये सब होल स्क्वायर का फॉर्मूला मत खोलो, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे तो सवाल भारी हो जाएगा क्योंकि द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसे फिलहाल ऐसी रहने दो, बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिखा रहा है मैंने, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्गमूल हटाने के लिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, इधर 10 का वर्ग और इधर इस पूरे का वर्ग 64 प्लस बाई प्लस 3 के होल स्क्वायर, होल स्क्वायर और इस पूरे का वर्ग, पूरे के वर्ग से वर्गमूल उड़ गया, 10 2 कितना हो गया 10 2 100 बराबर 64 प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, 64 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 100-64 बराबर बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना 36 बराबर बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, वर्ग हटा के वर्गमूल चढ़ा लेंगे, 36 बराबर कितना बाई प्लस 3, फॉर्मूला खोल देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगी, फिर टुकड़े करने पड़ेंगे, आगा वही सवाल, समझ गए, ये उससे बचने का इलाज है। 36 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 6 बराबर कितना बाई प्लस 3, एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में लिया जाएगा, समझ गए, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में लिया जाता है। ये चलो तुम द्विघात समीकरण से कर लो फिर।
तुम्हारी समझ में ये वाला बना रही है, तो चलो द्विघात समीकरण से कर लो वो सही समझ। देखो 100 = 64 प्लस, कभी भूल जाओ वहाँ पे, द्विघात समीकरण से ही कर लो, 22² फॉर्मूला खोल दिया प्लस 3² प्लस 2ab 2 × y × 3, ये फॉर्मूला खोल दिया। 100 = 64 प्लस 22² प्लस 3 × 9 प्लस 2 × 6 / 2, 100 = 64 और 9 कितने हो गए 73 प्लस 22² प्लस 6 / 2, 100 को इधर ले आओ तो 0 = हो गया 73 प्लस 22² प्लस 6 / 2 माइनस 100, 100 में से 73 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22² प्लस 6 / 2 माइनस का 27। इसे अपने हाथ पर लिख लो, इधर तो अपनी साइड पे 22² प्लस 6 / 2 माइनस 27 = 0। 27 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिन्हें घटा के कितना 6 आना चाहिए, 9 × 3 = 27, 9 - 3 तो इस 6 को लिख लेंगे, 9 - 3 बाहर 2 माइनस 27 = 0, 22² प्लस 9 / 2 माइनस का 3 / 2 माइनस 27 = 0, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 प्लस 9, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लिया, 3 × 9 = 27, 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 दोनों जगह से कॉमन, 2 प्लस 9 दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2 - 3 = 0। अब यदि यदि 2 + 9 = 0 तो 2 = कितना आ गया माइनस का 9 ना, इसमें नहीं क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों लेने होते हैं, यदि 2 - 3 = 0 तो 2 = 3, इसमें कोई भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि ग्राफ में निकल रहा है, ग्राफ में माइनस में भी होते हैं बिंदु, इसलिए 2 के 2 मान आ गए माइनस 9 और 3। प्लस माइनस 6 हाँ।